नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। मैं अल्पना आज आपको बताऊंगी कि महुए का लाटा कैसे बनाते हैं। ये महुआ एक पेड़ होता है, उस पेड़ का फूल है। ये सूखने के बाद इस तरह हो गया है। वैसे ये जब सूखा नहीं रहता तो हल्के पीले कलर का बहुत खूबसूरत इसका फूल होता है। महुआ का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसी के ये फूल हैं। वैसे इसका फूल जो है हमें मार्च और अप्रैल में मिलता है और ये सूख चुका है, इसलिए ये इस तरह से है। तो देखिए, ये महुआ हमारा बिल्कुल सूखा हुआ 500 ग्राम महुआ है और ये हम छील के दिखा रहे हैं। महुए के फूल के अंदर बीज थोड़े थोड़े जीरे जैसे दाने रहते हैं। वैसे महुआ बहुत मीठा होता है। जब भी अगर हम महुए की कोई भी रेसिपी या कोई व्यंजन बनाना शुरू करते हैं तो इसमें बर्र, पीली बर्र और मक्खी बहुत आती हैं, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से महुए को हम एक बार अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया, बिल्कुल सूखा महुआ है, और इसको हम एक छलनी से छान लेंगे तो जो इसमें जीरा है वो निकल जाएगा। वैसे काफ़ी निकल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको इस तरह से छान लेंगे तो जो भी बचा हुआ है निकल जाएगा। और जो उसके अलावा भी अगर कुछ है तो जब अभी हम इसको भूनेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी इसके अंदर होगा वो भी निकल जाएगा। ये देखिए, जीरा इसके अंदर है। अब इसको एक बर्तन में हम रख लेंगे। लाटा बनाने के लिए हमें महुआ और सफ़ेद वाली तिल की आवश्यकता होती है। तो हम आपको जो महुआ का लाटा बनाएंगे वो हम आपको आग में किस तरह से भूनेंगे तो आज हम आग जलाएंगे और आग में ही आपको इसको अच्छी तरह से भूनना बताएंगे। तो आग हमने जला ली है और उसमें हमने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी। जो सफ़ेद तिल है वो हमने लगभग 200 ग्राम लिया है और इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये देखिए, तिल हम भून रहे हैं धीरे धीरे आँच में। तिल हमारी भून रही है। अगर आप चाहें तो इसको आप गैस में भी भून सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चूल्हे में, क्योंकि लेकिन चूल्हे में बनाने से उसमें सौंधापन बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम इसको सौंधा बनाने के लिए इसलिए हम इसे चूल्हे में भून रहे हैं। ये देखिए, हमारी तिल काफ़ी अच्छी तरह से भून गई है। चट चट की आवाज़ आ रही है और सारे तिल हमारे जो हैं वो फट चुके हैं। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमारी तिल भून गई है। अब उसी कढ़ाई को हम फिर से रख देंगे। इसको थोड़ा सा फैला देंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है तिल। देखिए, बहुत अच्छी तरह से भुना है और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो ये तिल हमारा भुन चुका है। अब कढ़ाई को हम वापस आग पे रख दिए हैं और उसमें हम डाल देंगे जो हमने महुआ लिया था, वो महुए को डाल देंगे और डाल के उसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे हमारा ये जो महुआ है भुन जाए। महुआ जो है ये बहुत ही अच्छा ताकतवर फूल है। वैसे कुछ लोग इसको दूध में भी पका के खाते हैं। गांव में तो इसको, गांव की भाषा में इसे मुनक्का और किशमिश कहते हैं। इसी को देहाती किशमिश और देहाती मुनक्का भी कहते हैं। तो देखिए, हमारा महुआ बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल मुलायम हो गया है। इसमें हल्की हल्की छिट्टी पड़ गई है भुनने से। अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, महुआ बिल्कुल भुन गया है। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए, महुए को भी हम निकाल लिए हैं और एक बार इसको हम फिर से अच्छी तरह से छान लेंगे। जो इसमें जीरा था, जो भी जीरा बचा होगा वो पूरा जीरा निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको छान लेंगे। आपके पास जो भी छलनी हो, जो भी हो, उससे आप इसको थोड़ा सा छान लें। बिल्कुल महुआ हमारा बहुत अच्छा महक रहा है, भून के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसका हम आपको, ये देखिए, जो जीरा था वो सब निकल गया है। इसको हम फिर से अब उसी कढ़ाई में रख लेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। जिससे कढ़ाई हमारी गर्म रहेगी तो हमारा महुआ भी काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। तो अब इसको हम एक खलकुटने में थोड़ा सा महुआ डालेंगे, उसको कूटेंगे और उसी के ऊपर से थोड़ा सा तिल डालेंगे। डालते जाएंगे, थोड़ा सा महुआ डालेंगे और उसमें से इसको कूटते जाएंगे और उसी में ऊपर से थोड़ा थोड़ा तिल डालते जाएंगे। ये ध्यान रखें कि हमारा महुआ जब गर्म रहेगा तभी बहुत अच्छी तरह से ये लाटा बनेगा। वैसे गांव में ये शाम को
सर्दियों में और बरसात के सीज़न में ये बहुत अच्छा लगता है और हमेशा बनता है। बहुत ही पौष्टिक स्वादिष्ट महुआ बहुत ही ताकतवर होता है, गठिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे महुआ एक ऐसा फूल है जिसे हर कोई खा सकता है। ये कफ वात पित्त नाशक भी होता है और पेट संबंधित बीमारियों में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए इसको हम कूट रहे हैं, अगर आपके पास ओखली हो तो ओखली में भी डाल के आप इसको कूट सकते हैं। थोड़ा मेहनत का काम है क्योंकि ताकत लग रही है, ताकत से महुआ हमारा गर्म है और तिल भी गर्म है, तो खूब अच्छी तरह से ये देखिए कूट रहा है। ये देखिए कूट गया, बहुत अच्छा कूट चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा और हम इसको कूट देंगे तो जो हमारी सफ़ेद तिल है वो भी बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए इतना अच्छा ये निकला है। आप इसको चाहें तो हाथों से लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हम लड्डू नहीं बनाएंगे। ये ठंडा होने पे बहुत ही कुरकुरा और स्वादिष्ट लगता है। फिर हम थोड़ा सा महुआ डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा तिल डालेंगे। ये गांव का हमारा पारंपरिक व्यंजन है, इसे आप ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो देखिए ये देखिए कितना अच्छा कूट रहा है। तो इस तरह से हम महुआ और तिल को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कूट दिया है। तो जब हम गांव में रहते हैं तो क्यों ना हम गांव की ये सब चीज़ें जो पारंपरिक व्यंजन हैं उन्हें बनाएं, खाएं और अपने बच्चों को भी बताएं। तो इस तरह से सारे महुए को हम कूट लेंगे। तो जो भी मेरे ये चैनल को देख रहे हैं और मेरे महुआ लाटा बनाने के तरीके को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसे ये अच्छा लगा और किसने किसने इसे खाया है। तो हमने तो बनाया, हमें बहुत अच्छा लगता है ये महुए का लाटा, और शाम के टाइम इसको खाइए। और इसको जब पूरा हम बना लेंगे तो इसे अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाने पे एकदम कुरकुरे चिप्स जैसा ये हो जाएगा। तो हमें इसको बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में भर के रखना है। इसे आप 10 से 15 दिन तक खूब आराम से खा सकते हैं। वैसे ही इतना टेस्टी होता है। ये देखिए ये भी महुआ हमारा जो था ये बिल्कुल कूट चुका है, लग ही नहीं रहा है कि ये महुआ है। तो पूरा हमने कूट लिया है तिल और महुए का लाटा। हमारी थोड़ी तिल बच गई है, तिल हमारे पास थोड़ी हमारी ज़्यादा थी, मैं कूट ही रही थी। मेरी बेटी भी आ गई है, देखिए ये पहली बार खा रही है, हमने तो इसको कई बार खाया है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा लाटा बनाना कैसा लगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम किसी नई रेसिपी के साथ, और देखते रहिए हमारे चैनल को। हमारा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।